पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाहिद बैट्समैन जिन्होंने टेस्ट वनडे T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल कर रखा है अहमद शहजाद, उनका बल्ला कुछ खामोश दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही उनके साथ 2019 पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 में भी हुआ था और अहमद शहजाद जो थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के इब्तदाई दो मैचों में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे थे और क्वेटा ग्लेडिएटर की जानिब से दो मैचों में वो सिर्फ दो ही रन बना पाए थे, जिसके बाद उनको टीम से बाहर बैठाने का फैसला किया गया था। लेकिन फिर अहमद शहजाद को क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम ने चार मैचों के बाद एक बार फिर मौका देने का फैसला किया और यहां से अहमद शहजाद ने पलट कर नहीं देखा और चार मैचों में ना शामिल होने के फैसले को अपनी शानदार वापसी से दुरुस्त साबित किया। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 में शानदार वापसी के बाद छः मैच खेले, चार निफ्ट सेंचुरियों के साथ 309 रन स्कोर किए। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान सुपर लीग 2019 में 8 मैचों में 51 की औसत से 311 रन बनाए थे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में भी कुछ ऐसे ही मामला थे अहमद शहजाद के। दो मैच अब तक वो खेले हैं पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरा मुकाबला उन्होंने खेला जनाब पेशावर जलमी, तीसरा मैच वो खेले हैं जनाब कराची किंग्स के ख़िलाफ़ और तीन मैचों में 32 गेंदों पर वो सिर्फ 30 रन बना सके हैं और 12 उनका बेहतरीन स्कोर रहा। क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए पहले तीन मैच जहां क्वेटा की टीम दो मैच जीतने में कामयाब रही है, ना तो अहमद शहजाद चले हैं, ना ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन कोई बड़ी इनिंग खेल सके हैं, ना इंग्लैंड के जेसन रॉय कुछ अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने पेशावर जलमी के खिलाफ ने सेंचुरी स्कोर की थी। लेकिन अपने तीन इब्तदाई टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की नाकामी को लेकर टीम के कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद ज़्यादा परेशान दिखाई दे नहीं रहे। देखिए बिल्कुल T20 फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे जो आपके टॉप थ्री है ना वो पूरा गेम बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें अच्छा स्टार्ट मिल रहा है लेकिन जो है ना मैच को लंबा नहीं कर पा रहे। अगर आप देखें तो आज के मैच में दोनों टॉप ऑर्डर जो हैं हमारे रन आउट हो गए, तो आई थिंक ये उनको अंदाज़ा होगा क्योंकि वो इतने सीनियर प्लेयर हैं, इतने सीजन प्लेयर हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी वो जिस दिन खड़े होंगे मैच जिताएंगे। तो इनिंग अच्छा खेल रहे हैं, इसको मैच को लंबा नहीं कर पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले मैचों में ये प्लेयर जो है हमें वन साइडेड मैच जितवाएंगे। सरफराज को उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि अहमद शहजाद कम बैक करेंगे। वॉटसन और जेसन रॉय भी क्वेटा ग्लेडिएटर के लिए आने वाले मैचों में उमदा बल्लेबाजी का मुजाहरा करेंगे।